हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंटली आयु का जो सॉन्ग था उसमें वी एज अ एक्टर कितना अच्छा काम किया हम लोग तो देख ही पाए। तो हमको आयु से वहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया, आयु का पहला सॉन्ग आयु का सुन पाए हम। तो पता चला एक एक्चुअल फीचर वाला सॉन्ग है जो शुगा और आयु के साथ कर चुका। और मेरा चैनल पे शुगा का बहुत कम सॉन्ग है, 1 अगस्त ही। तो पहला आई थिंक ये मेरा पहला सोलो जो सुगा फीचर हो रहा है बिना BTS का, मेरा चैनल पे पहला सुगा साउंड होगा। तो लेट्स गो चेक इट आउट। हम तो सोच रहे थे सुगा का डी डे भी चेक करें जो एल्बम है। और सॉरी अगर डॉग का बार्किंग का साउंड आ रहा हो, तो भाई हम 1 घंटा वेट कर चुके हैं इसका बंद होने का, बट बजे जा रही है। एक सेकंड। भाई ये भी कुछ अभी आयु का हर वीडियो में क्या कुछ एक तो स्टोरी लाइन चलता है क्या, कि ये दोनों का ही एक्सेप्शन था जो हम दोनों चेक कर रहे हैं, एक तो लव विंस ऑल और एक ये। बहुत टची सब्जेक्ट को यहाँ पर ये किया गया है, मतलब जो लिरिक्स हैवी है। और भाई जो इतना आयु का जितना भी हम दो सॉन्ग सुने हैं, अब ये मेरा हमको ये ज़्यादा पसंद आ रहा प्रीवियस से। प्रीवियस वाला खराब नहीं था, ये कुछ ज़्यादा हमको मतलब मेरे टाइप का सॉन्ग लग रहा है। और भाई शुगा के लिए तो भाई इंतज़ार है। ओ भाई शुगा का वर्स बहुत रिदमिक था और मजा आया सुन के, गानों को एकदम सूट किया। जैसे होता है ना, एक होता है हम इस बीट पे शुगा को इमेजिन, भाई अगर शुगा को तुम इमेजिन करो तो वो एकदम धा एकदम रैपिड रैप के साथ आता है, पर ये भी शुगा कर सकता है भाई, टैलेंट तो है। भाई ये एनिमेशन और इसमें शिफ्ट हो रहा है ना, जैसे पहले पहले नॉर्मल वीडियो स्टार्ट हुआ थोड़ा VFX के साथ, हॉस्पिटल कैटेगरी का कोई मशीन चालू की, फिर वो एकदम बेसिक नॉर्मल वीडियो में गया, फिर एक 3D आर्ट स्टाइल में चेंज हुआ शुगा का वर्स में, तो 3D आर्ट स्टाइल बारबी कैटेगरी का। अब ये ओल्ड स्कूल सिमरेला अब या पुराना एनिमेशन कैटेगरी का आर्ट स्टाइल लिया है भाई, अलग अलग चेंजेस है। सिमिलर जैसे एनिमेशन है तो सिमिलर एनिमेशन नहीं है, अलग अलग एनिमेशन में। भाई
भाई अनदर ग्रेट सॉन्ग भाई। हाँ भाई हम इतना बोलना चाहेंगे, ये फुल सॉन्ग जो है ये प्लेलिस्ट वर्दी है। तुम जितना भी मतलब एक तरह से जो हम देखो, हम फेक रिएक्शन करना नहीं आता है। अगर हम कंपेयर करें जो हम लेटेस्ट आयु का लव विन्स ऑल, ये 100% मेरा प्लेलिस्ट में, ये हम बार बार सुनेंगे, ठीक है ना। वो सॉन्ग कूल इमोशनल था, बट एज अ वीडियो जब सामने आएगा हम देखेंगे वी का एकदम अच्छा एक्टिंग, आयु का एकदम अच्छा एक्टिंग। सो देखना तो पसंद करेंगे, बट एज अ सॉन्ग हम इस सॉन्ग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका लिए हमको वीडियो चाहिए भी नहीं। ये स्टैंड अलोन सॉन्ग ही मतलब एक तरह से इसको स्पॉटिफाई में ज़्यादा स्ट्रीम मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि रिदमिक है, वो भी रिदमिक था, वो भी इमोशनल था, ये भी इमोशनल था, पर ये ज़्यादा मेरे से कनेक्ट किया, क्योंकि जो लिरिक्स था भाई, ओ माय गॉड, अंदर से एकदम इम्पैक्टफुल था। और भाई बहुत कोई मतलब जो लोग अगर कोई हॉस्पिटलाइज रहा है कोई थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए, या बेड रिडन रहा है, तो वो लोग समझ सकता है कि ये गाना का मीनिंग क्या है, और वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, कि सब मीनिंग तो समझ जाएगा बट जो रिलेटेबल होता है ना, वो इमोशन एक टाइम पे ही आता है सबको, क्योंकि हम कर सकते हैं। भाई ये लोग का भाई के पॉप में होता है ना एक जेनेरिक साउंड जो के पॉप का है, वो ये के पॉप नहीं है, ये तो हमको पता है, पर के पॉप का जेनेरिक साउंड है ना, जो हेवी डन डन डर जो एक होता है, जैसे BTS अलग हो गया, BTS इज नॉट अ के पॉप फॉर मी, ठीक ना। हम BTS के पॉप पहले था जब स्टार्ट ऐसा के पॉप ग्रुप किया था, इसलिए हम के पॉप में थोड़ा एंटर जा रहे हैं, पर एज अ कंपेयर टू एज अ आयु जो कोरिया की आर्टिस्ट है, ठीक ना, सोलो आर्टिस्ट है, सो एज अ स्टैंड अलोन सुगा के साथ कोलैब किया, वन ऑफ द भाई सुगा भी अपना भाई अपना जो तो इसने प्रोड्यूस भी सुगा किया है, हम अभी नोटिस कर रहे हैं, फीट प्रोड्यूस एंड फीट बाय सुगा। सो सुगा अपना फिर से अपना लेवल दिखाते हुए कि इतना अच्छा सॉन्ग प्रोड्यूस कर सकता है भाई, ऐसा ओन ग्रुप नहीं, ऐसा दूसरा के लिए कोई और आर्टिस्ट के लिए, वो भी आई डोंट थिंक सुगा जितना अभी जितना बड़ा है, पर आयो जब स्टार्ट की थी, क्योंकि आयो बहुत पहले से सुगा से भी पहले से एस्टैब्लिश्ड है आयु, सो आई थिंक ये बहुत टाइम पहले आया था, तो BTS और मतलब आयु का रेपुटेशन आई थिंक ज़्यादा बड़ा होगा। फैंस भले BTS के ज़्यादा हो, पर जो रेपुटेशन होता है, जो एक होता है लेजेंड बनना, वो BTS सब बन रहा था जब आयु लेजेंड बन चुकी थी एज अ कोरियन पीपल के लिए। हम बहुत ज़्यादा रिसर्च किए आयु के उसके बाद, तो हमको जोड़ा फुलटा ना बोल दे। सो आई थिंक मेरे हिसाब से भाई सुगा अपना 100% दिया, वो दिख रहा सॉन्ग में इमोशन भाई 110% आया मेरे को फील। और तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कौन सा सॉन्ग आयु का और पसंद है, या BTS है, या कोई सा भी तुम लोगों को कोई ग्रुप पसंद है, कौन सा ग्रुप पे रिएक्ट कर सकते हैं नया, हम तो एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। तुम लोग बस लिंक भेज दो मेरे को कौन सा वीडियो पे, हम खोजते खोजते कभी कभी कुछ और वीडियो पे रिएक्ट कर देते हैं, हो जाता है गड़बड़। तो तुम लोग बताओ क्या चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए, और क्या चीज़ पे हमको और इम्प्रूव करना चाहिए एज अ मेरा वीडियो, अगर तुम लोग देख रहे हो तो। और रिसेंटली मेरे को अच्छा अच्छा कमेंट्स आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम बोल लिए, तो ज़्यादा नहीं बोलने जाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बोलना नहीं भाई, चैनल का बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मेरा ही देखना, रिकमेंडेशन आ रहा होगा या चैनल पे जाके, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चैनल को ग्रो होने में। अभी चैनल मेरा ग्रोइंग स्ट्रीक पे है, थोड़ा व्यूज आना स्टार्ट हुआ है मेरे चैनल पे, अगर तुम लोग हेल्प करते रहोगे तो चैनल ग्रो होते रहेगा।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टाटा, सी यू, सयोनारा.